प्लस सी बटा दो, ए बी सी क्या है? त्रिभुज की भुजाएं हैं। एस क्या है? परिमिति है। ये ए प्लस बी प्लस सी का तीनों भुजाओं का योग है, उसी का आधा होता है। यस, ये फार्मूला होता है किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्वेश्चन लिखोगे करोगे? एक त्रिभुज की भुजाएं, मान लो ये त्रिभुज है ना, त्रिभुज किसे कहते हैं जिसकी तीन भुजाएं हो? हाँ, जिसको बराबर नहीं, किसकी तीन भुजाएं होती हैं त्रिभुज? अच्छा, बेसिक ही बता देते हैं। त्रिभुज तीन प्रकार, मतलब त्रिभुज की परिभाषा या कोण से होती है या भुजाओं से। त्रिभुज कोण से, या तो उसको नाप सकते हैं कोणों से, नापने पे अधिक कोण, न्यून कोण और समकोण, तीन प्रकार के त्रिभुज होते हैं कोण के आधार पर। अब भुजा के आधार पर समबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जिसका चार तीनों भुजाएं बराबर और तीनों कोण बराबर हों, उसका भी अभी क्षेत्र आएगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? ज्यादातर आता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल या किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल, बोलिए मत, सुनिए। ये हम जैसे किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, दिया है त्रिभुज की भुजाएं क्या है, 13, 14 और 15, 13, 14, 15, ये त्रिभुज हो गया, एबीसी त्रिभुज हो गया, एबीसी, ठीक है, एबीसी त्रिभुज हो गया, भुजाएं दिया है 13, 14, 15, इसका बोला क्षेत्रफल निकालो, हम इस सूत्र पर रख देंगे, ठीक है। अब हम यस निकालेंगे, पहले यस बराबर क्या है, 13 प्लस 14 प्लस 15 बटा दो। रूबी बताओ कितना आएगा, 13 प्लस 14 प्लस 15 बटा दो, करो सॉल्व करो। नहीं आप नहीं, जिससे पूछूंगा वही, बाकी आ गया। यस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा दो। हाँ, जोड़ के भाग देना। जोड़ भी नहीं पाई अभी, आ गया, सही है। अपनी बहन को सिखाओ, देखो भाग देना उसको। 21 आ गया। ये भगवान, जाग सुसाइड कर लो तुम। हाँ सही है तुम्हारा, देख लिया सर, भाग तो दे रहा। हाँ, 43 कहाँ से आ गया, ये जोड़ो। अच्छा, इसीलिए तो मैं तुमसे पूछा, क्योंकि तुमको कुछ नहीं आता। ये 43 जोड़ी है, 42 होगा, 21। अब यहां ए बराबर 13, बी बराबर 14, सी बराबर 15, यस बराबर हमारा आ गया 21, तो ये क्षेत्रफल निकल सकता है। देखिए, यस की जगह हमने कर्णी में लिख दिया 21, यस यस की जगह 21 रखा है, ए की जगह 21 माइनस 13, फिर 21 माइनस 14, फिर हो गया 21 माइनस
15। अरे ये ऑन कर देना, ऑन है तो ये आप करो इसको। कर्णिम नहीं आएगा, 84 आएगा इसका उत्तर। आ रहा है? अरे घटाना नहीं आ रहा है, ये हो गया 21 गुणे 21 में 13 गया 8, फिर 21 में 14 गया 7, फिर 21 में 15 गया 6। ठीक है, अगर इसको यहां 60 कट करना है मल्टीप्लिकेशन, हाँ अरे यही होगा 21, तो ये लिख लिया 21 में 13 गया 8, 21 में 14 गया 7, 21 में 15 गया 6। अरे ब्रैकेट के बगल ब्रैकेट में कुछ नहीं तो गुणा ही होता है, यहां कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये गुणे है। इक्कीस आठ को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, दो दूना 4 × 2 = 8 ना। 21 को क्या लिख सकते हैं 7 × 3, फिर लिखा है गुणे 7 है ना ये, फिर 6 है 3 × 2, 3 × 3 = 9 हो जाएगा, 3 × 2 = 6। इसमें से एक एक बाहर कर लेंगे, दो जगह अगर कर्णी में है तो एक चीज बाहर हो जाता है, दो एक बाहर होगा, दो दो बार बाहर होगा, तीन बाहर होगा, इसका उत्तर आ जाएगा 7 × 3 × 2 × 2। सुनो चलो, इसको हमने तोड़ लिया है, बोलो मत भाई, 21 को हमने तोड़ लिया, 7 × 3 लिख दिया, ये 7 है गुणे 3, फिर 8 को तोड़ दिया 2 × 4 × 8 में, फिर 7 को 7 रखा, फिर 6 को तोड़ दिया 3 × 2, तो करणी अगर लगी है तो दो चीज अगर अंदर है तो एक बाहर आएगा, 2 7 होंगे तो एक बाहर आ जाएगा, फिर एक 2 3 है तो एक 3 आ रहा है, फिर इसी तरह 4 2 है, ये 2 तो 2 × 2 मतलब 2 बार आएगा, तो ये 7 × 3 = 21 × 42 × 84, यही आपका उत्तर हो गया। इस पे करोगे क्वेश्चन? हाँ एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं जिसकी भुजाएं एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 15, 16, 17 हैं,
उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। अगर आप कर लिए तो समझो कि आपका एकदम हो गया इस फार्मूले से। नहीं यशस्वी मतलब इस पे आप कॉन्फिडेंस हो गए, हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग कंटिन्यू देखिए, कुछ भी होता है आप लगे रहिए, कहीं ना कहीं सक्सेस आपको मिलेगा। ये मैं वो अगर आप छोड़ दिए, जैसे आए थे ना एकेडमी शुरू हुई कितनी भीड़ थी, फिर धीरे धीरे छटती गए धीरे धीरे। तो ये हर जगह है कि क्रीम जो बचता है, जो कंटिन्यूस लगा है, उसको कभी न कभी सफलता मिलेगी कहीं ना कहीं। आप देखो बहुत लोग हार मान के पढ़ाई छोड़ देते हैं, फिर कुछ नहीं मिलता उनको। आप में जज्बा होना चाहिए कि हाँ कि वी हैव टू डू समथिंग, हमें कुछ करना है बस, बाकी तो देख ही रहे हो नौकरी का हाल, कितना वैकेंसी निकल रही, कितने लोग। फौज एक ऐसी जगह है जहाँ कोई आरक्षण नहीं, ना कोई घूस है, नहीं आप चपरासी भी बनने जाओगे उसमें घूस ले लेगा। इसीलिए कभी भी, सॉरी ये बंद कर देना।